Hello everyone. So finally I am recording this video. So this video is very very special for me. Today I am going to share my Google interview experience. Yes, Google interview experience. So you won't believe, I myself can't believe that I cracked Google. चलो मैं अपना एक तरह जर्नी को फ्लैशबैक में लेके जाती हूँ. मुझे Google क्लियर करने का इतना ज्यादा शौक क्यों था? Basically Google क्लियर करना मेरा शौक से मतलब एम से ज्यादा मेरा शौक था. तो ये मैं आपको थोड़ा बिगनिंग से बताती हूँ. जब मैं कॉलेज फर्स्ट ईयर में थी, बहुत सारे सीनियर से इंटरेक्शन हुआ करता था. एंड उस समय हमारे मन में एक बहुत ही बड़ी दुख ये थी कि वी डिडेंट क्रैक IIT JEE. सो हमारे बैचमेंट में ये डिस्कशन होता था कि हमारा जॉब TCS इन्फोसिस में लगेगा और जो हमारे बैच वाले 12th में अच्छे से पढ़ लिए उनका जॉब लगेगा गूगल में. बेसिकली सारे IITian का गूगल में जॉब नहीं लगता है. एक परसेप्शन बना हुआ था कि IITian गूगल जाते हैं एंड जो IITian नहीं है वो जाते हैं TCS इन्फोसिस ये सब कंपनी में. आई एम नॉट सेइंग दैट TCS इन्फोसिस इज नॉट अ गुड कंपनी. आई एम जस्ट शेयरिंग माई पर्सनल एक्सपीरियंस. तो मैं ना सोची कि यार इस कॉलेज से तो गूगल में जा नहीं सकते हैं, तो चलो फिर से JEE का प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं. तो कॉलेज भी साथ साथ चलता रहेगा और JEE का भी प्रिपरेशन साथ साथ चलता रहेगा. बट एज यू ऑल नो कॉलेज में क्या होता है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है, बहुत सारी एक्टिविटी होती है. तो जब मैं सेकेंड सेमेस्टर में थी, फर्स्ट सेमेस्टर में मुझे था कि नहीं JEE करना है, मैं प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दी थी. बट सेकेंड सेमेस्टर में मुझे प्रोग्रामिंग में थोड़ा इंटरेस्ट आ गया. मैं बहुत सारे क्लब्स ये सब ज्वाइन कर लिए. जैसे एक SHTC क्लब थी जहाँ पे हम लोग कंपटीटिव प्रोग्रामिंग करते थे, एक क्लब थी रोबोटिक्स की, ऐसे में बहुत सारे स्पोर्ट्स की क्लब ये सब ज्वाइन कर ली. एंड फिर मुझे लगा कि यार चलो लाइफ में जो होगा देखा जाएगा, फ्लो के साथ चलते हैं. तो मैं ना JEE प्रिपरेशन छोड़ दी. बट मेरे कुछ सीनियर मिले जो कि मुझे ये बोले कि यार बात तो ऐसी है कि जो पर्सन Tier 3 कॉलेज से है वो भी पर्सन गूगल या माइक्रोसॉफ्ट ऐसी कंपनी क्लियर कर सकती है या कर सकता है. फर्क इतना है कि हमें ना थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी एज कम्पेयर टू टॉप टीयर 1 कॉलेज. फिर मैं सोची कि यार भाई मेहनती तो मैं हूँ ही, तो चलो ठीक है मेहनत कर लेते हैं. माइंड में एक चीज तो आ गई थी, वो थी होप. ये होप क्या होती है पता है? ये होप बीज होती है. प्लांट्स ये सब जो ग्रो होता है उसके लिए सबसे पहले क्या होती है, सबसे पहली चीज क्या करनी पड़ती है, हमें बीज वो करनी पड़ती है. तो ये जो बीज होती है ना, सीड ये होती है होप. एंड ये प्लांट ग्रो करना, जो प्लांट्स है ना इसे ग्रो करना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. मुझे प्रोग्रामिंग में बहुत अच्छा बनना था, मुझे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करनी थी, मुझे DS अच्छी करनी थी, मुझे कंप्यूटर फंडामेंटल अच्छी करनी थी. प्लस ये भी लग गया था कि चलो यार डायरेक्ट फर्स्ट जॉब गूगल नहीं मिलेगी, बट स्विच करते करते एक दिन गूगल पे पहुंच ही जाएंगे. सो अब थोड़ा फ्लैशबैक से थोड़ा आगे आते हैं. सो ये था टाइम 2020 में, मैं फर्स्ट टाइम गूगल का टेस्ट दी थी. एंड गेस व्हाट, टेस्ट क्लियर नहीं हुआ था. 3-4 मंथ के बाद मैं फिर से टेस्ट दी. फॉर्चुनेटली इस टाइम टेस्ट तो क्लियर हो गया था. इंटरव्यू में फर्स्ट टाइम इंटरव्यू निकला, सेकेंड राउंड इंटरव्यू में रिजेक्शन. तो उस टाइम जब इंटरव्यू में मैं रिजेक्ट हुई थी तो मैं क्या करी थी, मैं एक्नॉलेज करी थी कि मेरी ये प्रॉब्लम है, मैं ये मिस्टेक करी हूँ. आपको बिलीव नहीं होगा, आप यहाँ पे एक वीडियो देख सकते हो, एक वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगी या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. अराउंड 1.5 ईयर बैक मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करी थी जिसमें कि मैं बताई थी व्हाई आई गॉट रिजेक्शन फ्रॉम गूगल. सिलेक्शन स्टोरी आपको सब बताएंगे बट रिजेक्शन स्टोरी कोई नहीं बताता है. एंड हम लोग सीखते कहाँ से है, रिजेक्शन स्टोरी से. हमें हमेशा फील गुड स्टोरी नहीं सुननी चाहिए जो कि मेरा सिलेक्शन स्टोरी है, हमें हमेशा फील बैड स्टोरी भी सुननी चाहिए जो कि मेरा रिजेक्शन स्टोरी था. सो आप जाकर के वो वीडियो भी देख सकते हो. तो वहां पे मैं क्या करी थी, मैं शेयर करी थी कि व्हाई आई गॉट रिजेक्शन फ्रॉम गूगल. एंड उसमें एक एक पॉइंट को मैं बताई थी कि यहाँ पे मेरा ये मिस्टेक हुआ था, यहाँ पे मेरा ये मिस्टेक हुआ था. एंड उसके बाद मैं वो सारे मिस्टेक पर वर्क करना स्टार्ट कर दी थी फ्रॉम द सेकेंड डे इटसेल्फ. मैं क्या देखती हूँ कि बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स क्या करते हैं, उनका इंटरव्यू क्लियर नहीं होता है तो वो एक्नॉलेज नहीं करते हैं कि उनकी ये गलती थी. वो बस बोलते हैं कि यार मेरा इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ, मेरा इंटरव्यू इसलिए क्लियर नहीं हुआ क्योंकि मेरा लक अच्छा नहीं था, ये अच्छा नहीं था, वो अच्छा नहीं था. कोई भी इंटरव्यूअर अपना 1 घंटा टाइम निकाल करके आपका इंटरव्यू लेने आ रहा है ना, तो वो आपको रिजेक्ट करने के लिए इंटरव्यू नहीं ले रहे हैं, वो आपको सिलेक्ट करने के लिए इंटरव्यू ले रहे हैं. तो हमें हमेशा एक्नॉलेज करनी चाहिए कि हमारी ये मिस्टेक यहाँ पे थी. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं एंड जहाँ पे उनकी गलती नहीं होती है वहाँ पे खुद को प्रेजेंट भी नहीं करते हैं. हमें ना अपना स्टैंड लेना चाहिए, अगर हम लोग कुछ गलत कर रहे हैं तो उसे एक्सेप्ट करनी चाहिए, एक्नॉलेज करनी चाहिए. सो या मैं क्या
जनवरी मेरा जो फर्स्ट गूगल का रिजेक्शन हुआ था, जो कि टेस्ट में रिजेक्शन था, उसके बाद मुझे पता चल गया कि गूगल सिलेक्ट होनी है तो मुझे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी क्वेश्चंस की, बहुत सारे कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करनी होगी ताकि मेरा उस टाइम फ्रेम पे क्वेश्चन बनाने का हैबिट बने। समहाउ वो डेवलप हो गया, उस पे वर्क करने के बाद मैं फिर से इंटरव्यू दी थी। तो जब मैं माइक्रोसॉफ्ट का इंटरव्यू दे रही थी उस समय मेरा पैरेलल में गूगल का भी इंटरव्यू चल रहा था। एंड उस इंटरव्यू में क्या हुआ था कि मैं ऑल 5 राउंड इंटरव्यू दी थी। यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ था कि 1-2 राउंड के बाद मैं एलिमिनेट हो गई हूँ। एंड बाद में जो हायरिंग कमिटी होती है, वहां से हायरिंग कमिटी में क्या होती है, टीम मैचिंग ये सब होती है, वहां से मेरा रिजेक्शन आया था। तो उस समय थोड़ी सी तो दुख थी, बट आई गॉट सिलेक्शन फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट, इसलिए मैं बहुत ही ज्यादा खुश थी। एटलीस्ट मैं अपने प्रीवियस वर्सन से तो बेटर हूँ ना। तो यही बात है, खुद से कंपेयर करोगे तो कभी भी डिप्रेशन नहीं होगा और रिजेक्शन में भी खुशी मिलेगी अगर आप खुद से कंपेयर करोगे। तो उस समय मेरा माइक्रोसॉफ्ट में सिलेक्शन हो गया था, मैं माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन कर ली थी। गूगल में क्या होती है, 10 मंथ का कूल डाउन पीरियड लगता है, 10 मंथ का। तो आपको बिलीव नहीं होगा, मैं अपने 3rd ईयर से हर 10 मंथ में गूगल के लिए ट्राई मार रही हूँ। तो उसके बाद मैं फिर से इंटरव्यू दी, अगेन मेरा राउंड हुआ, बहुत सारे राउंड। इस बार मेरा कुछ राउंड स्किप भी हो गया था बिकॉज आई थिंक बिकॉज ऑफ माई प्रीवियस इंटरव्यू फीडबैक। इस बार मेरा सारा राउंड काफी अच्छा जा रहा था। इस बार ना मैं खुद पे 100% में ओवर कॉन्फिडेंस थी, से कहा जाए तो। राउंड्स में ओनली डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम का क्वेश्चन था, ओनली डीएसए क्वेश्चन था, नो कंप्यूटर फंडामेंटल, नो सिस्टम डिजाइनिंग, नथिंग। तो इसमें सारा राउंड क्लियर हो गया। उसके बाद मेरा हुआ था लास्ट राउंड, हुआ था मेरा गूगलिनेस राउंड हुआ था, जिसमें कि मेरे से पूछा गया था क्वेश्चन रिलेटेड टू बिहेवियर, लाइक आप इस सिनेरियो में कैसे वर्क करोगे, इस टाइप के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे। ये बेसिकली टोटली मैनेजरियल काइंड ऑफ क्वेश्चंस था। तो ये सब इंटरव्यू होने के बाद मेरा टीम मैचिंग राउंड हुआ था। टीम मैचिंग राउंड में क्या हुआ था कि जो मैनेजर को मेरा प्रोफाइल अच्छा लगा वो मैनेजर मेरे से कॉन्टेक्ट करे थे। हम लोग का थोड़ा बहुत डिस्कशन हुआ था रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट दैट वी विल वर्क ऑन। इट्स वाज जस्ट 30 मिनट डिस्कशन, बट उसमें ऐसा हुआ था कि कुछ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन से पूछा गया था मेरे से, माय मैनेजर ऑलरेडी न्यू दैट आई क्रिएट कंटेंट एट यूट्यूब, सो दे आस्क्ड सम क्वेश्चन रिलेटेड टू हाउ यूट्यूब एल्गोरिथम वर्क। सो ओवरऑल टीम मैचिंग राउंड हो गई एंड फाइनली आई गॉट द सिलेक्शन रिजल्ट दैट डे। मैं आपको वर्ल्ड में एक्सप्लेन नहीं कर सकती, मेरा पांव जमीन पे नहीं था, बहुत ही ज्यादा खुश थी। वो फ्राइडे था, टाइम भी बिल्कुल सही था, मुझे रिजल्ट मिली थी फ्राइडे को, सो मेरे पास पूरा वीक था एंजॉय करने के लिए। मैं मम्मी को बताई एंड उसके बाद जोमेटो से मैं मम्मी के लिए कुछ ऑर्डर करी। मेरे जितने कॉलेज के सीनियर थे जो मुझे बहुत ही ज्यादा कोऑपरेट करे थे, मैं सबको इंसिस्ट करी थी कि प्लीज यार आप पार्टी ऑनलाइन ले लो, ऑफलाइन पार्टी हम लोग बाद में करेंगे, बहुत करेंगे, बट अभी के लिए ऑनलाइन पार्टी ले लो। एंड कुछ बैंगलोर में भी थे, फिर भी मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी, मैं वेट नहीं कर सकती थी कि नेक्स्ट 2-3 दिन के बाद मैं पार्टी दूंगी, मुझे उसी दिन पार्टी देना था। तो इसलिए मैं जो कुछ मेरे फ्रेंड जो बैंगलोर में है उनको भी मैं जोमेटो से ही कुछ ऑर्डर कर दी थी। तो अभी मैं आपको एक और क्लिप दिखाऊंगी, यहाँ पे आप एक क्लिप देख सकते हो। सो बेसिकली ये मेरे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल इसलिए था क्योंकि मैं अपने एक फ्रेंड को बोली थी कि ये लो जोमेटो का वाउचर और कुछ ऑर्डर कर लो, ये गूगल का पार्टी है मेरे तरफ से। सो ही ऑर्डर्ड 1 केक एंड उस केक पे गूगल लिखा हुआ था एंड ही मेक वन रियल काइंड ऑफ वीडियो एंड ही सेंट मी। सो इट वाज रियली ग्रेट एंड ऑसम एक्सपीरियंस फॉर मी, आई रियली लाइक दिस, यू वोंट बिलीव दैट, आई कांट एक्सप्लेन दिस फीलिंग इन वर्ड। ये सब था मेरा गूगल इंटरव्यू एक्सपीरियंस जो कि मैं अभी शेयर कर चुकी हूँ। एंड मैं एक और वीडियो बनाई हूँ ऑन हाउ आई सेलिब्रेटेड माई गूगल सिलेक्शन रिजल्ट, इसकी भी लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगी या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या कॉमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, वो वीडियो भी जरूर देखना। क्योंकि नेक्स्ट डे वीकेंड था, फ्राइडे को मुझे रिजल्ट मिली थी, फिर सैटरडे आई थी, फिर संडे आई थी। सैटरडे संडे मेरे पास फुल टाइम था इंजॉय करने के लिए, उस टाइम में लिटरली बहुत ज्यादा एंजॉय करी थी, मैं बहुत सारे प्लेसेस गई थी घूमने, क्या बोलूं मैं, एक्साइटमेंट से भरा हुआ डे था वो। बेसिकली जब अपना सक्सेस आप एंजॉय करने लोगे ना, फिर लाइफ में आपको लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस मिलेगी। सो विद दिस नोट आई वांट टू एंड दिस वीडियो। सो होपफुली आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, मैं बहुत ही ज्यादा लंबा वीडियो बना ली हूं, इसको और मैं लंबा नहीं करना चाहती हूं। सो अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर देना एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।